हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी, इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी लोगों का अन अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। स्वागत है दोस्तों आपका अनअकैडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, द लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन एक्सेस द अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्रॉम द इंडिया बेस्ट एजुकेटर्स। सो फ्रेंड्स, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई विद अनअकैडमी। फ्रेंड्स, आगे स्टार्ट करने से पहले वेलकम वेलकम मजुमदार, हेलो, गुड इवनिंग हेमंत, हाय निहान, लेट्स क्रैक इट। यस निहान, हेलो, फाइन, आई एम फाइन हेमंत, गुड इवनिंग अली, आई एम फाइन। सो स्टार्ट करते हैं। नाउ बिफोर स्टार्टिंग अबाउट माई सेल्फ, मेरा नाम अमित मोदी है, बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल सर्विस एग्जाम 4 times दिया, अपियर्ड इन सिविल सर्विसेज मेंस 4 times एंड क्लियर एंड अपियर्ड इन इंटरव्यू फॉर द 2 times। आई हैव इन टोटल 12 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। ये मेरा टेलीग्राम का डिस्कशन ग्रुप का लिंक है एंड दिस इज माय टेलीग्राम चैनल लिंक। ओके, 9479812018 ये मेरा मोबाइल नंबर है। कोई भी हेल्प हो, किसी भी तरीके की आपको रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, किसी भी कोई भी क्वेरी हो आपकी, तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो। ठीक है, आप मेरे को इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। वेल, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज। यस, द वेरियस रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, वेल, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम जानते हैं हमारे इस नए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा चैट बॉक्स की तरफ ध्यान देते हैं अभी स्टार्ट करने से पहले। वेलकम वेलकम गीता, गुड इवनिंग लाल मुनि जी, गुड इवनिंग राजभूषण, गुड इवनिंग, ग्रेट। ठीक है, सो हमारा अन अकेडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। भैया, ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है क्या? सबसे पहले आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ये है एक मेंटोरशिप प्रोग्राम। क्या है भैया? मेंटोरशिप प्रोग्राम। यस, मेंटोरशिप प्रोग्राम। यहाँ पर आपको एक मेंटोर मिलेगा, आपका एक मेंटोर होगा जो आपको गाइड करेगा। क्या करेगा? गाइड करेगा टुवर्ड सक्सेस। कहाँ की तरफ? सक्सेस इन द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। यस, अ पर्सनल कोच यू विल गेट। ठीक है, ये जो कि स्टीयर करेगा आपके वर्क को, आपके एफर्ट को, कहां पर? इन द राइट डायरेक्शन, जिससे कि आप अपना जो भी आप हार्ड वर्क करते हो उससे मैक्सिमम बेनिफिट आप लेकर के आ पाओ। वो आपके लिए स्टडी प्लान तैयार करेगा, स्ट्रेटजीज तैयार करेगा, जो भी चैलेंजेस है जो आप फेस करोगे उनको कोप अप करने में आपकी हेल्प करेगा, गाइड करेगा, आपको हेल्प करेगा, आपकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करेगा। यस, a personal tutor, a personal mentor you will get in this iconic subscription. Well, coaches जो होंगे वो सारे के सारे experienced persons होंगे, senior persons होंगे, with some the selected जिनका rank आया है exam के अंदर। Now, ये कैसे plus से different है? भैया, plus पर बस खाली हमारी teaching है, ठीक है, only teaching, inclined towards the teaching, लेकिन यहाँ पर हम लोग inclined है iconic subscription में, where? Towards mentoring. Mentoring means experience. Yes, वो आपने सारे experience के साथ आपको steer करेगा, आपको guide करेगा to crack UPSC CSE. So friends, to crack UPSC CSE examination. ठीक है, यहाँ पर आपको जितने भी subjects हैं, जो भी lessons हैं, वो सब involve होंगे। Plan होगा एक, ठीक है, assessment होगा डेली बेसिस पर। ठीक है, नाउ क्या वैल्यू ऑफरिंग है यहाँ पर? पर्सनल कोच यू विल गेट, मोटिवेशन एंड गाइडेंस, स्टडी ट्रैकर एंड डेली रिपोर्ट्स एंड दी प्रोफाइल रिव्यूज, ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी, यानी कि आइकॉनिक इन सब्सक्रिप्शन में। कहाँ पर मिलेंगी भैया?
आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में, ठीक है ना। ये जो चीजें हैं आपको, ये हमको प्लस के सब्सक्रिप्शन में नहीं मिलती हैं, ये हमको मिलेंगी सिर्फ आइकॉनिक में। एक पर्सनल कोच, भैया हम ऑफलाइन कोचिंग्स की तरफ जाते हैं, क्यों जाते हैं, क्योंकि तो हमको मेंस भी देना है, इंटरव्यू भी देना है। हमको ऐसा लगता है कि भैया जो ऑफलाइन में ट्यूटर हमारा होगा, जो एजुकेटर हमारा होगा, वो हमारे मेंस की प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व करेगा, इंटरव्यू की प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व करेगा, क्योंकि यहाँ पर हम फेस टू फेस इसके साथ मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन भैया अब हमको यही सेम चीज हमको ऑनलाइन में भी मिलने वाली है, क्योंकि हमारे पास एक आ गया पर्सनल कोच, एक पर्सनल ट्यूटर, ठीक है, जो हमको मोटिवेट करेगा, गाइड करेगा, हमारे पूरे स्टडी प्लान को ट्रैक करेगा, डेली रिपोर्ट्स हमारे को देगा। हेलो हेलो निहान, हेलो साजद, ठीक है, डेली रिपोर्ट्स होगा, प्लस हमारी प्रोफाइल को रिव्यू भी करेगा, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देगा वो हमको। क्या देगा भैया? कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, डेली टेस्ट के स्कोर पर, लर्निंग बिहेवियर पर। एडिशनल फीचर्स देखें अगर अपन यहाँ पर, स्टडी बूस्टर सेशंस, किस तरीके से हमको ऑप्शनल में ज्यादा नंबर लाने हैं, कैसे हमको एनसीईआरटी रीड करनी है, ये सारी चीजें, आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस विद इवैल्यूएशन, यस, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है मेंस के लिए। बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर आती है, तो ये चीज हमको यहाँ पर मिलेगी। टारगेटेड करंट अफेयर्स आर्टिकल्स, ठीक है भैया, करंट अफेयर्स तो बहुत होते हैं, पूरा न्यूज़पेपर भरा होता है न्यूज ही न्यूज से भैया, पर हमारे किस काम का, जो न्यूज हमारे काम की है वो उसको टारगेट करेंगे। डेली क्विजेस होंगे, हाई इंटेंसिटी वर्कशॉप्स होंगे। नाउ स्टडी बूस्टर सेशंस में क्या होगा? इफेक्टिवली एंड प्रोडक्टिव स्टडी, क्या होगा भैया? इफेक्टिव एंड प्रोडक्टिव स्टडी टू नो योर एग्जाम्स। भैया हमको हमारे एग्जाम का सिलेबस, स्कीम, ये सारी चीजें जाननी है। नमस्ते दीपक कुमार जी, नमस्ते। व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे और कैसे हमको उसका आंसर लिखना है। अब फियर, ऑप्शनल का फियर होता है, कौन सा सेलेक्ट करें, कौन सा ऑप्ट करें। भैया उस हिस्ट्री लेते हैं तो बहुत पढ़ना है, बहुत वास्ट है। ज्योग्राफी लेते हैं तो फैक्चुअल बहुत है, पपैट ओके ले सकते हैं, लेकिन कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, तो बहुत फियर है, नंबर नहीं आते हैं, ये चीज। तो इन सब चीजों को आउटशाइन करेगा, क्या करेगा? आउटशाइन करेगा, चूज द सब्जेक्ट, हाई यील्डिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपके हिसाब से, ठीक है। ये चीज, गेंस विद द जीएस, कैसे एनसीईआरटी को रीड करना है, बेसिक बुक्स को कैसे पढ़ना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एंटायर सिलेबस कैसे कवर होगा। भैया प्रिपरेशन के दौरान पूरा सिलेबस कवर नहीं हो पाता, तो यहाँ पर हमारा जो मेंटोर है वो आपको गाइड करेगा। क्रैक द करंट अफेयर्स, कैसे न्यूज़पेपर को रीड करना है, कैसे करंट अफेयर्स के नोट्स बनाना है, ये सारी चीजें आपको क्रैक होंगी। एक स्टडी ट्रैकर, एक प्लान इवॉल्व होगा, कैसे आपको शेड्यूल करनी है आपकी स्टडीज। यस, हमारे पास होते हैं टोटल 24 आवर्स, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। लोग बोलते हैं कि सिविल सर्विसेज एग्जाम अगर क्रैक करना है तो कम से कम 18 आवर्स पढ़ने होगा, ठीक है, ये चीज। ओ नो भैया, ये नहीं, ये आपकी जो स्टडीज है, लगभग 5 to 8 आवर्स की स्टडी, इसको पूरी तरीके से इफेक्टिवली प्लान करेगा, जिससे हम कम एफर्ट्स में ज्यादा आउटपुट निकाल सके, Yes, अच्छा रैंक ला सके। 18 घंटे, ओ माई गॉड, नहीं हो सकता, हम बच्चे इसी से डर जाते हैं, ओह 18 घंटे पढ़ना पड़ेगा, नहीं, 5 to 8 आवर्स का कंसिस्टेंट स्टडी, बिल्कुल मेरे भाइयों, कंसिस्टेंट स्टडी, यहां पर वो वर्कआउट करेगा, आपको हेल्प करेगा, आपकी प्रिपरेशन के दौरान जो भी चीजें हैं वो ट्रैक करते जाएगा। यस, कहां पर आपको हर्डल्स आ रहे हैं, उन सबको वो दूर करता चला जाएगा इन दिस प्रोग्राम। आंसर राइटिंग स्किल्स मेंस के लिए, इलेक्ट्रीफाइंग एसेस कैसे लिखना है, ये सब मेंस की प्रिपरेशन होगी। लो भैया, ऑफलाइन का एक और फीचर यहाँ पर आ गया, ठीक है, और फिर उसके बाद इंटरव्यू, ये पूरा इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू सेशंस के लिए, ठीक है, कैसे कैडर को चूज करना है, कैसे सर्विस की प्रेफरेंस भरनी है, किस तरीके का अचीवमेंट और अकम्पलिशमेंट जो आपने किए हैं वो किस तरीके से प्रेजेंट करना है, जिससे क्वेश्चन बने आपके फेवर में बने और आपको नंबर अच्छे मिले, ठीक है। पर्सनलिटी डेवलपमेंट स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, ये चीज इस तरीके से। वेल साहिल, अगर आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए तो प्लीज यू डाउनलोड अन अकेडमी लर्निंग ऐप, यहाँ पर आप अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, ठीक है, यूपीएससी सीएसई कैटेगरी ये सेलेक्ट करो, ये कैटेगरी सेलेक्ट करो एंड चूज द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, यूज द कोड अमित मोदी। आप जैसे ये कोड यूज करोगे आपकी फीस 57,600 हो जाएगी फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी कि 4,800 रुपीज पर मंथ, ये आपका टोटल फी स्ट्रक्चर रहेगा। एंड 24 मंथ्स के लिए
3713 पर मंथ, यानी कि 89,100। आप जैसे ही इस कोड को अप्लाई करोगे वैसे ही आपकी फीस ये हो जाएगी। ना इसके अंदर आपको सारी चीजें मिलेंगी, पर्सनल कोच मिलेगा आपको, डेली क्वेश्चन एंड आंसर्स की राइटिंग प्रैक्टिस मिलेगी, पूरा स्टडी प्लानर होएगा आपके साथ, और प्लस पर्सनलाइज फीडबैक पर्सनल लेवल पर। यस, ये चार चीजें आपको मिलेंगी जो कि यहाँ पर नहीं है, जो कि यहाँ पर नहीं है। ठीक है, सो डियर फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब दिस कोर्स एंड लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। बिल्कुल दोस्तों, पहले ही अटेम्प्ट में हम यहां पर इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये कोड अप्लाई करना मत भूलना, जैसे ही आप ये कोड अप्लाई करोगे आपकी फीस कम हो जाएगी। नहीं तो क्या होगा, यहां पर आप देखो 4800 रुपीज पर मंथ 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेविंग्स नहीं होंगे। जैसे ही अप्लाई करोगे आप, आपकी फीस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, आपको डिस्काउंट रहेगा, मैक्सिमम डिस्काउंट यू विल गेट। एंड इफ एनी क्वेरी विल बी देयर फॉर दिस रिलेटेड, यू कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर, या मेरे को आप मैसेज भी कर सकते हो 9479812018। ठीक है, ये चीज। अरे भैया हर रोज एक चीज क्यों भाई, होना पड़ता है, करना पड़ता है। ठीक है हर्ष भैया, यस दीज कोर्सेस आर वेरी ऑसम, यहाँ पर घर बैठे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एट होम आप अपनी सहूलियत के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है ये चीज। सो दिस इज ऑल अबाउट द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। सो फ्रेंड्स, लेट्स क्रैक इट, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई विद द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑफ अन अकेडमी इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, पहली बार में ही यूपीएससी में अच्छा रैंक लाना। सो फ्रेंड्स, लेट्स क्रैक इट। ठीक है, नाउ ये है हमारे करंट अफेयर्स का चैनल है। ठीक है, यूट्यूब पर ये चैनल है, ये एक्सक्लूसिव चैनल है फॉर दी करंट अफेयर्स। ठीक है, एक्सक्लूसिव चैनल है, तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो जस्ट टू सॉल्व आउट योर करंट अफेयर्स प्रॉब्लम। वेल, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज द रिवॉल्यूशनरीज। यस हर्ष, आई नो आई नो आई नो इट इज अ वेरी गुड, ब्लस कोर्सेज आर वेरी ऑसम। ठीक है, तो प्लीज डू सब्सक्राइब द कोर्सेज एंड यूज द कोड अमित मोदी टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। अगर कोई भी और क्वेरी हो अगर आपका, तो आप मुझे मेरे नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो आज हम हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, द रिवॉल्यूशनरीज। यस, द रिवॉल्यूशनरीज, दीज एक्टिविटीज स्टार्टेड इन द कोर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 1899 से अप्रोक्सीमेटली ये स्टार्ट हुआ, एंड दिस गोस टिल 1933। 1933 तक लगभग लगभग इंडिया में बहुत सारी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज हुई। ठीक है, नाउ ये बेसिकली क्या था, एक नेशनलिज्म इंडिया के अंदर ग्रो हुआ, रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म इसे कहा जाता है। ठीक है, बिकॉज दीज वर द रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट एंड दे वर रिगार्डेड एज अ टेररिस्ट बाई द इंग्लिश रूल इन इंडिया। ठीक है, इसीलिए बुक्स में ये वर्ड लिखा हुआ है, बट दे वर नीदर टेररिस्ट नॉर मिलिटेंट एंड दिस वॉज अ प्रोडक्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ द नेशनलिज्म। यस, these were the patriotic leaders, yes, and they can give everything for the freedom of the nation. ठीक है, ये चीज। नाउ ये जो एक्टिविस्ट थे, ये जो रिवॉल्यूशनरीज थे, they became active during the time of anti-partition movement. ठीक है, they became very active during the anti-partition movement. Yes, जब एक्सट्रीमिज्म का राइज हुआ। ठीक है, जब एक्सट्रीमिज्म का राइज हुआ। वैभव बुक रेफरेंस, एनसीईआरटीज आर द बेस्ट बुक। ठीक है, एंड हर सब्जेक्ट का अलग अलग बुक है बेटा। ठीक है, आपको कौन से सब्जेक्ट का जानना है आप पूछ सकते हो मेरे से। ठीक है, नाउ आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द ओपन मूवमेंट, जो भी यंगर नेशनलिस्ट होते थे, जो पार्टिसिपेट करते थे इन एक्टिविटीज में, वो यहाँ पर इस फोरग्राउंड में, बैकग्राउंड में छुप करके फिर से इन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते थे। अपनी जितनी भी पेट्रियोटिक एनर्जीज हैं, उन सबको जो है वो, जैसे लीडरशिप चली गई, ठीक है, कोई भी लीडर को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है अरेस्ट करके जेल में डाल दिया, नाउ नो वन इज देयर टू स्टीयर दैट पर्टिकुलर फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म। तो उसको उस एनर्जी को जो है डिलीवर करना है, कैसे करें, तो वो डिसइल्यूजन हो जाते थे एंड दे फॉर्म द न्यू स्ट्रगल, जिसको मिलिटेंट ट्रेंड का एक नाम दिया गया। ये प्रैक्टिस हुई। नाउ द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, दीज लीडर्स दे कॉल्ड अपॉन दीज यूथ टू मेक सेक्रीफाइसेस। ठीक है, जो कि इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन जो है फेल हो गई थी, नहीं कर पा रही थी। एंड यस, दिस यूथ, द यंग पीपल, द यूथ ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, दे रियलाइज द फ्यूटिलिटी ऑफ ऑल दीज थिंग्स, एंड यस दे डिड एंड दे एक्सपेल्ड, दे थॉट दैट द ब्रिटिश मस्ट बी एक्सपेल्ड
फिजिकली, ठीक है, ये चीज, ठीक है, ये चीज। जय हिंद, जय हिंद समृद्ध भैया, ठीक है, जय हिंद। ओके राहुल, वेलकम टू द क्लास राहुल, ठीक है, वेलकम टू द क्लास राहुल, यू आर इन क्लास 9। ओके ओके राहुल, ठीक है, आप एनसीईआरटी बुक्स पढ़ो, एनसीईआरटी आपकी 9th स्टैंडर्ड की बुक होगी, सोशल स्टडीज की, यू रीड दैट बुक, ठीक है, 6, 7, 8 टाइम यू रीड दैट बुक फर्स्ट। ओके बेटा, नाउ रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट दे कंसिडर दे डिड नॉट फाइंड इट प्रैक्टिकल, ठीक है, एट दिस स्टेज क्रिएटिंग अ वायलेंट मास रिवोल्यूशन, ठीक है, ये चीज। नाउ 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 दीज एक्टिविटीज दे टुक द फुटस्टेप्स ऑफ द निहिलिस्ट, जितने भी निहिलिस्ट थे रशियन रेवोल्यूशन के टाइम पर, जो भी निहिलिस्ट थे, आयरिश नेशनलिस्ट, उनके मेथोलॉजी को इन्होंने जो है एक्सेप्ट किया, दैट इज ऑफ इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन। क्या था भैया? इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन। कोई भी अनपॉपुलर ब्रिटिश ऑफिशियल को जो है, अनपॉपुलर ब्रिटिश ऑफिशियल को असैसिनेट करना, ये होता था इंडिविजुअल असैसिनेट करना, इंडिविजुअल इंडिविजुअल हीरोइज्म, ठीक है, इनको मार दिया, ये चीज, शूट कर दिया, ठीक है, ये चीज, ये था, क्योंकि तो काफी ज्यादा अनपॉपुलर थे। और ये जो एक्टिविटीज थी, ये बेसिकली स्टार्ट हुई, जैसे मैंने कहा, स्वदेशी मूवमेंट से ये बेसिकली एक्टिविटीज शुरू होती हैं, क्योंकि यहां पर क्या था, यहां पर एक्सट्रीमिज्म जो थी, एक्सट्रीमिज्म जो पॉलिटिक्स थी, वो कल्मिनेशन पर आ गई। बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, ये 3 मेन रीजन्स थे, ठीक है, ये 3 मेन रीजन्स थे। नाउ इनके साथ साथ नॉट इवन इन इंडिया बल्कि वर्ल्ड में अदर प्लेसेस में भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज स्टार्ट हुई। इनका मेन आइडिया था टू स्ट्राइक टेरर इन द हार्ट ऑफ द रूलर्स, ठीक है, ये चीज, ये इनका मेन आइडिया था, यहाँ पर पीपल को इंस्पायर करना, जो सिटीजन्स थे उस टाइम पे इंडिया, इनहेबिटेंट्स थे इंडिया के, उनको इंस्पायर करना अपनी पेट्रियोटिक फीलिंग से, स्पेशली यूथ को, किसको भैया, यूथ को, ठीक है। नाउ द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स दे ऑल्सो फेल्ड टू आइडियोलॉजिकली काउंटर द रिवॉल्यूशन, ये चीज। और एक टाइम ऐसा आया कि जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे वो और रिवॉल्यूशनरीज जितने भी थे, एंड ड्यूरिंग द पार्ट एंटी पार्टीशन मूवमेंट, ये सब ऐसा लगता था कि ये एक है, दीज ऑल आर वन, इनमें कोई भी हेयर लाइन डिफरेंस नहीं था, ठीक है, ये चीज। नाउ एक्टिविटीज जो थी, ये मैंने जैसे कहा आपको, ये स्टार्ट होती है 1899 से, तो यहाँ पर 3 फेजेस में ये एक्टिविटीज डिवाइडेड है। पहला 1899 से लेकर 1941 तक, 1914 तक, सॉरी, फिर 1914 से लेकर के 1920 तक, एंड देन 1922 से लेकर के 1933 तक, ये 3 फेजेस है इन एक्टिविटीज के, रिवॉल्यूशनरीज के। जैसे हमारी कांग्रेस के फेज है, मॉडरेट फेज, एक्सट्रीमिस्ट फेज एंड द गांधीयन फेज, बिल्कुल उसी तरीके से ये 3 फेजेस डिवाइडेड है। पहला जो फेज है वो 1899 से शुरू होता है एंड इट गोस टिल 1914, यानी कि टिल द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, वर्ल्ड वॉर तक, और फिर ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 1920 में ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज जो है वो लगभग लगभग 2 साल के लिए बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, दी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पर गांधी जी अर्ज करते हैं, एक प्लेज करते हैं, लोगों के साथ बोलते हैं, कहते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया नॉन वायलेंट रहो 1 साल के लिए, मैं आप लोगों के लिए स्वराज दिला के रहूंगा 1 साल में। तो भैया यहाँ पर जितनी भी अंडरग्राउंड एक्टिविटीज थी, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज थी, जितनी भी तो पैट्रियोटिक इंडिविजुअल पैट्रियोटिक फीलिंग्स जितने भी थे, वो सब जो है 1-2 साल के लिए शांत हो जाते हैं, डॉर्मेंट हो जाते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जब गांधी जी चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद में ये अपने वापस लेते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, तो फिर से ये एक्टिविटीज एक्टिवेट हो जाती है। एंड इट गोज टिल 1933 के बाद ये एक्टिविटीज धीरे 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 जा करके कांग्रेस के फोर फोल्ड में मर्ज हो जाती है, ठीक है, ये चीज। नाउ भैया पहला जो फेज है, यहाँ पर फेज में 3 प्रोमिनेंट प्रोविंसेस है। सबसे पहले आता है बंगाल, दूसरे में आता है महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, और तीसरे में आता है पंजाब। यही देखा जाए तो यही 3 रीजन्स रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज में सबसे ज्यादा एक्टिवेटेड थे, सबसे ज्यादा। सबसे पहले हम लोग बंगाल का देखते हैं, यहाँ पर 1870s में जो है ये कुछ सीक्रेट सोसाइटीज बनना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जो पहला रिवॉल्यूशनरी ग्रुप बनता है वो बनता है मिदनापुर में 1902 में अंडर ज्ञानेंद्र नाथ बासु, और कैलकटा में बनती है अनुशीलन समिति, ठीक है, ये चीज। प्रमोद मित्तर,
जतेंद्रनाथ बनर्जी, वरेंद्र कुमार घोष, ये मिलाते हैं, ये बनाते हैं मिदनापुर। मिदनापुर कहाँ है भैया? ईस्ट बंगाल में। ठीक है, जब पार्टीशन होता है तब ये एक्टिवेट हो जाते हैं। और अनिसुलन समिति कहाँ पर है? अनिसुलन समिति जो है ये कैलकटा में है। ठीक है, ये कैलकटा में होता है। ठीक है, ये चीज, तो यहां पर ये एक्टिविटीज शुरू हो जाते हैं। क्या हुआ भाई, 1921-22 में क्या था फिर? ओके, हेलो हेलो कुमारी मनु, गौरव 24, हेलो, वेलकम टू द क्लास। ठीक है ना, बट द एक्टिविटीज, तो इनकी एक्टिविटीज थी, दे वर लिमिटेड, सिर्फ लिमिटेड थी 1907 और 1908 तक, यानी कि 1907 और 1908 तक इनसिग्निफिकेंट थी। क्यों? क्योंकि भैया ये एक्सट्रीमिज्म का ये फेस था, और यहाँ पर एंटी पार्टीशन मूवमेंट जो है अच्छे से स्टार्ट हो गया था। 1906 में इनर सर्कल अनुशीलन समिति में बना वरिंद्र कुमार घोष एंड भूपेंद्र नाथ दत्ता, इन्होंने एक पेपर फाउंड किया, दैट इज युगांतर। ठीक है, और कुछ एबॉर्टिव एक्शंस लिए। यहाँ पर हेमचंद्र कानूनगो, इनको बॉम्ब की बनाने की ट्रेनिंग के लिए जो है भेजा गया जापान। 1905-1906 में काफी ज्यादा रिवोल्यूशनरी न्यूज़पेपर्स और एक्टिविटीज ये स्टैब्लिश हुए, और युगांतर ने ये तक लिख दिया अपने न्यूज़पेपर में, इस वाले पेपर में, वरिंद्र कुमार घोष एंड भूपेंद्र नाथ दत्ता इन लोगों ने अपने न्यूज़पेपर में ये तक लिख दिया, ये तक लिख दिया। यस, मिदनापुर, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, वो गलती से मेरे से ईस्ट बंगाल निकल गया, आप सही हो, इट इज इन वेस्ट बंगाल ओनली। ठीक है, सिंगापुर में। ठीक है, युगांतर ग्रुप ने यहाँ पर ढेर सारा जो, सॉरी, यहाँ पर उन्होंने पेपर में लिख दिया कि भैया जो भी कॉजेज हैं, मिजरीज हैं जो पीपल की, उनका एक ही रेमेडी है, और वो ये है कि हम 30 करोड़ पीपल हैं। भैया उस समय भी 30 करोड़ थे, बहुत ज्यादा थे, 30 करोड़ हैं, और हम जो है दोनों हाथों से उठाएंगे तो 60 करोड़ हो जाएंगे, एंड यस, फोर्स मस्ट बी स्टॉप्ड बाई फोर्स। ये युगांतर का नारा था, फोर्स मस्ट बी स्टॉप्ड बाई फोर्स। ठीक है, तो युगांतर न्यूज़पेपर था, उसने ये स्लोगन दिया, फोर्स मस्ट बी स्टॉप्ड बाई फोर्स। ठीक है, ये चीज। एंड राज बिहारी घोष, सचिन नाथ सान्याल, इन्होंने जो है सीक्रेट सोसाइटीज बनाना शुरू किए, फिर पंजाब, दिल्ली, यूपी, यहाँ पर सब में, और हेमचंद कांगुनगो को अब्रॉड भेजा गया। कहाँ पर भेजा गया? जापान, ताकि वो मिलिट्री ट्रेनिंग और पॉलिटिकल ट्रेनिंग लेकर के आ सके। अब यहां से शुरू होता है इंडिविजुअल हीरोइज्म का एक्ट, 1907। अभी हम बंगाल में देख रहे हैं भैया, जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, बंगाल से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। ठीक है, 1907। ठीक है, हेलो हेलो लिट्टन मजुमदार जी, हेलो अंकित पाल, बिल्कुल माइक्रोबायोलॉजी से तो शायद नहीं होगी बेटा। ठीक है, नहीं होगी। ठीक है ना, लिट सॉरी 1907 में पहला एक्टिविटी होता है। वेस्ट बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? फुलर। ठीक है, यहाँ पर इनके ऊपर अटैक करते हैं युगांतर ग्रुप। युगांतर ग्रुप किसका है भैया? भूपेंद्र नाथ दत्ता। ठीक है, भूपेंद्र नाथ दत्ता। और 1908 मुजफ्फरनगर का जो जज है, किंग्स फोर्ट, उस पर प्रफुल्ल चाकी एंड खुदीराम बोस अटैक करते हैं। कैसे? बॉम्ब फेंक देते हैं। ठीक है, मुजफ्फरनगर, और किंग्स फोर्ट तो नहीं मरता, लेकिन वहां पर जो है दो लेडीज जो होती हैं उस वैगन में, वो उनकी डेथ हो जाती है। यहाँ पर खुदीराम बोस, यस, दिस वाज द फेमस इंसिडेंट, खुदीराम बोस वाज हैंग्ड, एंड प्रफुल्ल चाकी, यस, प्रफुल्ल चाकी, ही शॉट हिमसेल्फ ऑन द स्पॉट। ठीक है, ही शॉट हिमसेल्फ ऑन द स्पॉट। ये जो इंसिडेंट है 1908 का, दिस इज कॉल्ड एज अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। क्या बोलते हैं इसको? अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। ठीक है, 1908 का अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर प्रफुल्ल चाकी एंड खुदीराम बोस, ठीक है, ये अटैक करते हैं। एंड फिर उसके बाद जो भी गैंग है इनकी पूरी, वरिंद्र कुमार घोष, अरविंदो घोष, इन सबको ट्राई किया जाता है। अरविंदो घोष जो है ये फ्री कर दिए जाते हैं, नरेंद्र गोसाई ये होते हैं ट्रेटर। ठीक है, ये अप्रूवर बन जाते हैं, और इन्हीं को फिर बाद में जेल में मार दिया जाता है। 1909 तक जो है, 1909 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर का एंड होता है, एंड ठीक है, एंड होता है, और 1910 में जो डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है कैलकटा का,
उसको बाहर ही कलकत्ता हाई कोर्ट के मार दी जाती है। और 1908 में एक और बहुत फेमस इवेंट होता है इन बंगाल, दैट इज द बारहा डकैती। इट वॉज ऑर्गेनाइज बाय द ढाका अनुशीलन समिति अंदर पुलीन दास, ठीक है, अंदर पुलीन दास। भैया अनुशीलन समिति के दो ब्रांच है, ठीक है, यहाँ पर अनुशीलन समिति जो है इसके दो ब्रांच हो गए, एक हमने देख ही लिया युगांतर ग्रुप, ठीक है, और दूसरा ये है ढाका अनुशीलन समिति अंडर पुलीन दास, ठीक है। और ये करते हैं बारहा डकौती, डकौती मीन्स लूट, ठीक है, लूट, लूट ऑफ व्हाट, ब्रिटिश मनी, ठीक है, ब्रिटिश मनी, ठीक है, ये चीज यहां पर। फिर उसके बाद 1912 में राज बिहारी बोस और सचिंद्रनाथ सान्याल हार्डिंग, वाइसरॉय हार्डिंग के कैरेज के ऊपर, उसके वैगन के ऊपर जो है, ठीक है, वैगन के ऊपर जो है वो बॉम्ब फेंकते हैं चांदनी चौक में, जब वो दिल्ली में एंटर कर रहे होते हैं इन दिसंबर 1912। और यहाँ पर हार्डिंग तो बच जाते हैं लेकिन लेडी हार्डिंग इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, ये मर जाती है, लेडी हार्डिंग जो है इनकी डेथ हो जाती है। एंड राज बिहारी बोस एंड सत्यनाथ सान्याल दे फ्लेड अवे, ये भाग जाते हैं यहाँ से, राज बिहारी बोस भाग करके चले जाते हैं जापान, ठीक है, ये चीज। न्यूज़पेपर्स कौन कौन से हैं इनके, संध्या, युगांतर जो कि बंगाल में है, और फिर एक महाराष्ट्र में है काल। रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज ये एकदम डोरमेंट हो जाती हैं जैसे ही स्वदेशी बंगाल खत्म होता है, ठीक है, ये चीज। लेकिन एक और मजे की बात, जितने भी मुस्लिम्स हैं ये सब अपने आप को इससे दूर रखते हैं, ठीक है, दे वर नॉट एट ऑल इन्वॉल्व इन द रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज इन इंडिया, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट मासेस का बिल्कुल भी नहीं है। छोटा सा जो है अपर सोशल बेस है अपर कास्ट का, ठीक है, जो कि इस मूवमेंट पर है यहाँ पर, ठीक है, ये चीज। अब हम देखते हैं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में रामोसी पीसेंट मूवमेंट, ये था वासुदेव बलवंत फट के 1879 में स्टार्ट करते हैं, ये था फर्स्ट रिवॉल्यूशनरी एक्टिवेशन। लेकिन सही मायने में महाराष्ट्र में जो शुरू होता है, यस, मुजफ्फरनगर यूपी में है और मुजफ्फरपुर बिहार में है, ठीक है, ये चीज। महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र में सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट होता है 1899 में, 1899 व्हेन चापेकर ब्रदर्स कौन कौन से हैं भैया, पहले हैं बाल कृष्ण चापेकर एंड फिर दूसरे हैं दामोदर चापेकर, कौन से हैं भैया, दामोदर चापेकर, ठीक है, ये दोनों जो है पूना प्लेग कमिश्नर मिस्टर रैंड पर अटैक करते हैं, क्या करते हैं, मिस्टर रैंड पर अटैक करते हैं, यस, किससे इनसाइट होके, ठीक है, इनसाइट किससे होते हैं, केसरी एक न्यूज़पेपर में बीजी तिलक एक आर्टिकल लिखते हैं इसके बारे में, शिवाजी द किलिंग ऑफ अफजल खान, ठीक है, अफजल खान को मारने के ऊपर जो एक आर्टिकल लिखा जाता है, दैट हाउ द शिवाजी किल्ड अफजल खान, ठीक है, उससे इंसाइट होकर के ये सबसे पहली मेन पॉलिटिकल किलिंग जो महाराष्ट्र में होती है, ठीक है, ये चीज। तिलक ही प्रोपोगेटेड द मिलिटेंट आइडियाज इन द महाराष्ट्र एंड 1893 में उन्होंने स्टार्ट किया गणेश फेस्टिवल एंड 1896 में स्टार्ट किया शिवाजी फेस्टिवल, ठीक है, यस, शिवाजी फेस्टिवल। यहाँ पर गणेश फेस्टिवल क्यों, श्री गणेश करने के लिए, ठीक है, कोई भी नया काम स्टार्ट करते हैं तो गणेश जी की पूजा करते हैं, तो यहाँ पर इसीलिए गणेश फेस्टिवल ये स्टार्ट किया गया। और फिर शिवाजी फेस्टिवल भैया यूथ को जो है ये बताने के लिए कि देखो शिवाजी इतने ग्रेट रूलर हैं और उन्होंने किस तरीके से मुगल्स और बीजापुर किंगडम के अगेंस्ट में फाइट किया, हमको भी बिल्कुल इंग्लिश रूल के अगेंस्ट में ऐसे ही फाइट करना है। और यहाँ पर देखो भैया टू डिसाइपल्स इन्होंने मार दिया। एंड इन 1899 मित्र मेला, ये एक सीक्रेट सोसाइटी डॉक्टर वीर सावरकर और उनके भाई इन्होंने ऑर्गेनाइज किया एंड देन इट मर्ज इनटू अभिनव भारत सोसाइटी इन 1904। ये सब सीक्रेट सोसाइटीज थी, क्या थी भैया, सीक्रेट सोसाइटीज, ठीक है। नाउ पुणे और नासिक एंड बॉम्बे, यहाँ पर एक तरीके से बॉम्ब मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री ये बन गए थे, ठीक है। हु इज अफजल खान, बेटा अफजल खान बीजापुरी जनरल था,
ठीक है। यस सर, बट वाई मुस्लिम्स आर नॉट रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज? भैया नहीं किया उन्होंने, मन था उनका इसलिए उन्होंने एक्टिविटी पार्टिसिपेट नहीं किया। सर बोथ दीपिका जी बी टी डब्ल्यू विन चंद्रा इज द बाइबल ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, विच बुक इज द बेस्ट फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, विपिन चंद्रा और स्पेक्ट्रम? इज इट नॉट, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द बोथ द बुक्स आर द बाइबल, दीज टू बुक्स आर नॉट रिगार्डेड एज द बाइबल। ठीक है, कि आपने पढ़ा और हिस्ट्री की सारी चीजें सॉल्व हो गई बेटा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये चीज दो, दीज टू बुक्स आर द वेरी गुड बुक्स। आई एम रियली सॉरी कुमारी मान मनु, इसके लिए ये हिंदी में तो अपन नहीं लिख सकते बिकॉज मेरी हिंदी बहुत पूरे, सिर्फ बोलना आता है मेरे को, लिखना नहीं आता बेटा। ठीक है, तो ये आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो ये अपन को नोट्स इंग्लिश में ही मिलेंगे, बाकी आप सुन सकते हो, मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ। ठीक है, ये चीज ओके। हाँ बेटा, यस शुभाली, यस हाय सर, हेलो मुकेश जी, क्या हाल चाल है? ठीक है, तो ये चीज फिर आता पंजाब। पंजाब में एक्सट्रीमिज्म जो है इट वाज फ्यूल्ड बेसिक्स, तो लैंड रेवेन्यू और एडुकेशन टैक्सेस थे। ठीक है, यहाँ पर जमींदार्स के अगेंस्ट में महलवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम जो है ये जो है ज्यादा, महलवारी सिस्टम जो है ये सबसे ज्यादा पंजाब एरिया में प्रेवलेंट था। ठीक है, नाउ यहाँ पर जो एक्टिविटी शुरू होती है दैट वॉज अंडर द लाला लाजपत राय। भैया मैंने आपको क्या बताया था, आर्य समाजिस्ट, आपको अगर याद हो पुराने लेक्चर्स, अगर लेसन्स आपको याद हो, आर्य समाज दैट वाज फाउंडेड बाय दयानंद सरस्वती, और उन्होंने अपना जो हेडक्वार्टर था वो लाहौर शिफ्ट किया। तो यहां से जो है, और उन्होंने नारा दिया गो बैक टू वेदास, गो बैक टू वेदास। ठीक है, प्यूरिफाइंग मूवमेंट ये स्टार्ट किया, और स्वराज का भी नारा दिया, स्वराज है ना, ये सब दयानंद सरस्वती जी ने दिया, आर्य समाजिस्ट। ठीक है, और इससे इन्फ्लुएंस हुए लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय है, बिल्कुल बेटा, हिस्ट्री तो पढ़ना जरूरी है, यस इट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द सिलेबस का पार्ट है ये। ठीक है, इसलिए वो पढ़ना पड़ेगा हमको। लाला लाजपत राय हु ब्रॉट द पंजाबी, ये उनका न्यूज़पेपर था। ठीक है, और फिर अजीत सिंह, अजीत सिंह कौन थे भैया, हमारे भगत सिंह जी के अंकल, उनके चाचा जी। इन्होंने एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अंजुमन ए मोहिसिबान ए वतन ये लाहौर में स्टार्ट किया, और भारत माता एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया। ये कौन स्टार्ट करते हैं, अजीत सिंह। ठीक है, और लाला लाजपत राय का कौन सा पेपर है, पंजाबी। ठीक है ना, पंजाब में जो भी था, पंजाब में जो भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज थी वो सिर्फ चेनाब और बारी डोआब में थी। ठीक है, बारी यस, बियास और रवि रीजन के बीच में जो लैंड था वहां पर सबसे ज्यादा एक्टिविटीज होती थी, क्योंकि कैनाल्स ले किए गए थे उधर बहुत सारे, ताकि पूरे पंजाब रीजन में इरिगेशन हो सके, और इरिगेशन वाटर रेट्स, वाटर टैक्स ये बहुत ज्यादा था। इसके अगेंस्ट में जो है ये एक्टिविटीज स्टार्ट हुई। अदर लीडर जो थे, आगा हैदर, सैयद हैदर रजा, भाई परमानंद एंड लाल चंद फलक, ये जो है अदर रेडिकल लीडर्स थे ड्यूरिंग दिस टाइम। लेकिन एक्सट्रीमिज्म जो था वो एकदम से पंजाब में जीरो लेवल पर आ गया इन द मे 1907, जब लाला लाजपत राय को डिपोर्ट कर दिया गया। एंड अजीत सिंह जो थे उनके फ्यू एसोसिएट्स, यस दयानंद सरस्वती, ठीक है, सूफी अंबा प्रसाद, लालचंद, भाई परमानंद, ये लोग जो है फुल स्केल रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज में इंडल्ज हो गए। भैया ये तो था हमारा 1899 से लेकर के 1914 तक का फेज, वो भी तीन स्टेट में। पर भैया इंडिया के बाहर भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती थी, जिसमें श्याम जी कृष्ण वर्मा की सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, जो कि उन्होंने लंदन में स्टैब्लिश किया 1905, एन इंडियन होम टू सोसाइटी, जिसका नाम था इंडिया हाउस। अब इंडिया हाउस में होता क्या था, इंडिया हाउस में क्या होता था, जो भी इंडिया से जो ये एक्टिविस्ट आते थे, ठीक है, एक्टिविस्ट आते थे, उनको यहां पर रखा जाता था। ठीक है, और यहीं से सारी, नॉट इवन इन इंडिया बल्कि इंडिया के लिए, इंडिया के फेवर में जो भी एक्टिविटीज है इंडिविजुअल हीरोइज्म की अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, उन सबको यहां से मूटेड किया जाता था। प्लस यहाँ पर ऑर्गेनाइज, यहाँ पर जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती थी इंडिया हाउस के अंदर, एंड इट वॉज स्टैब्लिश बाई श्याम जी कृष्ण वर्मा। ठीक है, और इनका एक न्यूज़पेपर था जिसका नाम था सोशियोलॉजिस्ट। ठीक है वैभव, इसका आंसर हम आपको इस सेशन के बाद में देंगे। ठीक है, ये चीज, ठीक है, इसका आंसर सत्यविंदर जैसे आप बोलते हैं कि हिस्ट्री पढ़ना, हिस्ट्री बना आईएएस बनने के लिए हिस्ट्री पढ़ना जरूरी है, इसका हम आंसर आपको इस
सेशन के बाद देंगे बेटा, ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा फिर हम आपको बताते हैं, ठीक है। ये चीज नाउ रेवोल्यूशनरीज लाइक सावरकर, लाला हरदयाल, दे बिकेम द मेंबर्स ऑफ द इंडियन हाउस, और ये तो बहुत ही फेमस है भैया, मदन लाल ढींगरा, ये कर्जन वाइले को 1909 में गोली मार देते हैं वही इंडिया में उनके ब्यूरोक्रेट ऑफिस में जाकर के, ठीक है। ये चीज फिर क्या होता है कि भैया यहाँ पर लंदन, लंदन जो है थोड़ा सा एक हॉटस्पॉट बन गया, तो लंदन को छोड़ के फिर अब ये लोग पहुंच जाते हैं जर्मनी, जर्मनी, ठीक है। सावरकर यहाँ पर उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है नासिक कॉन्स्पिरेसी केस के अंदर, ठीक है। जर्मनी पहुंच जाते हैं, पेरिस, जिनेवा, बीकाजी कामा, ये यहाँ से पारसी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी शुरू करती है, और फिर एंग्लो जर्मन रिलेशंस जब सही होते हैं तो वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय जो है 1909 में ये बर्लिन को अपना बेस बनाते हैं और एक न्यूज़पेपर लगाते हैं, निकालते हैं तलवार, अ न्यूज़पेपर ही पब्लिश दैट इज द तलवार, ठीक है। और रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर यहाँ पर 1914 से लेके 1920 तक, ये रीजन सिर्फ दो ही इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले है द गदर मूवमेंट, द गदर मूवमेंट, और दूसरा है कोमा गाता मारू इंसिडेंट, कोमा गाता मारू इंसिडेंट, ठीक है। कोमा गाता मारू ये एक शिप का नाम है, ठीक है, ये शिप का नाम है। गदर पार्टी जो है वो नॉर्थ अमेरिका में स्टैब्लिश की जाती है इन सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। ये चीज ठीक है ना, यहां पर क्या होता है, बेटा मेंस के लिए बस ये थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, ठीक है। ये चीज ठीक है ना, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी बताते हैं बेटा आपको, मेंस के बारे में भी बताते हैं, हैव अ वेट, हैव अ पेशेंस, थोड़ा सा ये लेक्चर अपना सेशन खत्म हो जाए, हम सारे क्वेरीज के जवाब देते हैं, ठीक है ना। मैं क्या बोल रहा था, यस ना, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज ये स्टार्ट होती है, अब आती है द गदर पार्टी। जैसे मैंने कहा एक रिवॉल्यूशनरी ग्रुप है सैन फ्रांसिस्को में, ये एक स्टार्ट होता है ना। यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी जो पंजाब के लोग हैं, ठीक है, वो जो यहाँ पर यूएसए में रिसाइड कर रहे हैं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं गदर, गदर का मतलब होता है रिवोल्ट, गदर का मतलब होता है रिवोल्ट। इनके माइंड में एक ही है कि 1857 जैसा एक रिवोल्ट हमको जो है पंजाब में करना है, क्योंकि पंजाब में बहुत सारे सिख सोल्जर्स, सिख रेजिमेंट में बहुत सारे सोल्जर्स हैं, ठीक है, हम इनको नेशनलिज्म का फीलिंग इनके अंदर इंसाइट करेंगे और ये रिवोल्ट करेंगे बिल्कुल ऑन द लाइंस ऑफ 1857, और इसी मोटो के साथ ये पार्टी, ये एक ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश किया जाता है। गदर बेसिकली एक न्यूज़पेपर का नाम है जिसको गुरुमुखी स्क्रिप्ट में गाया जाता है, ठीक है ना। रिवोल्यूशनरीज में जितने भी एक्स सोल्जर्स हैं, पीजेंट्स हैं, जो कि सब पंजाब और यूएसए में जाके बस जाते हैं, वहां पर ये बनता है। कौन बनाता है इसको, ठीक है, कौन बनाता है इसको, 1913 में गदर पार्टी स्टैब्लिश होती है बाई जी डी कुमार, रामदास पुरी, तारकनाथ दास, सोहन सिंह बखना, ये लोग होते हैं, और ये निकालते हैं एक न्यूज़पेपर, उस न्यूज़पेपर का नाम होता है गदर। गदर जो है ये न्यूज़पेपर इकलौता ऐसा पेपर है जो गुरुमुखी स्क्रिप्ट में आता है, यानी कि पंजाबी लैंग्वेज में गुरुमुखी स्क्रिप्ट। गुरुमुखी स्क्रिप्ट जो है ये अर्जन देव जी ने ये बनाई थी, ठीक है, जब उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब लिखा। गदर प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज क्या है, इसका मेन मोटो क्या है, इसका मेन मोटो क्या है, ठीक है, इसका मेन मोटो है, इसका मेन मोटो है असैसिनेशन करना, किसका, ऑफिशियल्स का, रिवॉल्यूशनरी और एंटी इंपीरियलिस्ट आइडियाज को पब्लिश करना, ठीक है, जिससे मैंने कहा ना रिवोल्ट जैसी कंडीशन को वो लोग लेके आ जाए। लाला हरदयाल, लाला हरदयाल, रामचंद्र, भगवान सिंह, करतार सिंह सरभा, ये मैंने आपको नाम अभी पढ़वाए थे, ठीक है ना। इसी बीच में हो जाता है एक और इंसिडेंट जिसको हम लोग बोलते हैं कोमा गाता, 1914 में, 1914 में ही वर्ल्ड वॉर वन शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है, वर्ल्ड वॉर वन, सराजीवो, सराजीवो की डेथ के बाद कोमा गाता मारू, ये एक शिप है, ये एक शिप है, जापानी शिप है, ठीक है, जिसको गुरदीत सिंह, गुरदीत सिंह, यस गुरदीत सिंह जो है ये हायर करते हैं, और 370 370 सिख एंड पंजाबी मुस्लिम माइग्रेंट्स को लेके वो सिंगापुर से वैनकोवर पहुंचते हैं, लेकिन तब तक जो है वर्ल्ड वॉर वन शुरू हो जाता है, और वर्ल्ड वॉर वन के शुरू होते ही कैनेडियन अथॉरिटीज इस शिप को वापस भेज देते हैं, ये शिप जापान पहुंचता है और जापान से फिर वापस आता है कैलकटा, ठीक है, ये कैलकटा, ये शिप इंसिडेंट, बिल्कुल कैलकटा आता है, बज बज, ये हमारा पोर्ट है बज बज, ठीक है, कैलकटा के इस पोर्ट पर आता है, और यहां पर जो ये जब जैसी शिप आता है,
तो जितने भी इन म्यूट्स होते हैं पंजाब बाउंड ट्रेन को ये बोर्ड कर मना कर देते हैं एंड दीज पीपल वर किल्ड। यहाँ पर पुलिस सडनली अटैक कर देती है एंड दीज 22 persons वर डाइड। कुछ बीच में से बच बचा करके पहुंच जाते हैं कहां पर, करतार सिंह सराभा और रघुवर दयाल गुप्ता की हेल्प के साथ पंजाब में, और वहां पर गदर मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। लेकिन लेकिन वो 1857 जैसा जो है ये कोई भी एक्सप्लोसिव इवेंट स्टार्ट नहीं कर पाते। क्यों? गदराइट फिक्स कर देते हैं कि 21 फरवरी 1915 को हम एक आर्म्ड रिवोल्ट फिरोजपुर लाहौल रावलपिंडी गैरिसन में करेंगे, बट एंड मोमेंट पर ये प्लान खत्म हो जाता है ट्रेचरी के कारण। कैसे? कॉन्स्पिरेसी और ट्रेचरी की वजह से। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट ये अप्लाई कर देती है ब्रिटिश और इन सारे रेबिलियंस को अरेस्ट कर दिया जाता है। राज बिहारी घोष जापान भाग जाते हैं, फिर से अबानी मुखर्जी जो है फिर से जो है एक और एफर्ट लगाते हैं आर्म्स भेजने के लिए, और सचिन नाथ सान्याल को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है फॉर द एंटायर लाइफ। ठीक है, मौलाना आजाद, हजरत मोहानी, ठीक है, ये बंगाल टेररिस्ट इन द पंजाब गदराइट्स रेडिकल प्लान पैन इस्लामिस्ट ग्रुप अली ब्रदर्स, ये सब इंटर्न उसमें चले जाते हैं एंड द गदर मूवमेंट ये स्टार्ट होने से पहले ही फिनिश हो जाता, इट बिकेम टू एंड। ठीक है, ये चीज जी पॉलिटिकली और मिलिट्रिकली अगर देखा जाए तो ये फेल हो गया मूवमेंट, लेकिन यहाँ पर एक लीडरशिप बन जाती है, ठीक है, जो कि बाद में काम में आती है। ठीक है, ये चीज। अब एक्टिविटीज इन यूरोप। यूरोप में क्या होता है 1915 में, जिमरमैन प्लान, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्रनाथ चक्का और लाला हरदयाल, ये तीनों मिलकर के जर्मन फॉरेन ऑफिसर्स के साथ मिलकर एक जिमरलैंड प्लान बनाते हैं। क्या एम होता है? टू मोबिलाइज द इंडियन सेटलर्स अब्रॉड। ठीक है, अब्रॉड इन यूरोप, यूरोप में जो भी मिशंस भेजे जाते हैं बगदाद, पर्शिया, टर्की, काबुल, यहाँ पे जो भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर है इनको रिलीज किया जाए। क्या किया जाए? इनको रिलीज कराया जाए और फिर इनसे एक आर्मी बनाई जाए और इस आर्मी से अटैक किया जाए इंडिया के ऊपर। ठीक है, अटैक किया जाए इंडिया के ऊपर अगेंस्ट द ब्रिटिश अथॉरिटीज। ठीक है, ये चीज। महाराजा राजा महेंद्र प्रताप, बरकतुल्ला, इनोबैदुल्ला सिंधी, ये काबुल जाते हैं, अमनुल्ला वहां के प्रिंस है उनसे मिलने के लिए, और फिर इसी बीच में एक म्यूटनी होती है इन सिंगापुर। बहुत बहुत ही ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट म्यूटनी है ये सिंगापुर में जो होती है, दैट वाज डन बाय द पंजाबी मुस्लिम 5th लाइट इन्फेंट्री एंड द 25th सिख बटालियन अंडर जमादार चिश्ती खान एंड जमादार अब्दुल गनी। ठीक है, यहाँ पर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में एक फियर्स बैटल फाइट होती है और 41 जो है सोल्जर्स ट्रांसपोर्ट होते हैं और 37 एग्जीक्यूट कर दिए जाते हैं। ठीक है, ये एग्जीक्यूट कर दिए जाते हैं। ठीक है, ये चीज। ठीक है, नाउ ड्यूरिंग द वॉर में या रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज थोड़ा सा होल्ड पर आती हैं बंगाल में। राज बिहारी बोस और सत्यनाथ सान्याल ही हैं, जतिन मुखर्जी के साथ मिलकर के, इनको पॉपुलरली भागा जतिन कहा जाता है, वो प्लान करते हैं जर्मन आर्म्स की मदद से कि फोर्ट विलियम पर अटैक किया जाए। एंड यस, दे मेड द अटैक, बट दैट अटैक वॉज रुइंड बिकॉज ऑफ द पुअर कोऑर्डिनेशन। एंड भागा जतिन जो है वहां पर उड़ीसा में बालासोर में एज अ हीरो, उनकी डेथ होती है 1915 में। ठीक है, ये चीज। नाउ 1917 में जैसे ही मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आते हैं तब यहाँ पर, और गांधी जी सीन में आ जाते हैं, तब यहाँ पर थोड़ी सी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज थम जाती हैं, रुक जाती हैं। ठीक है, नाउ 1920s में रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज फिर शुरू होती हैं जब गांधी जी कॉपरेशन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लेते हैं। जब इस टाइम पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है तब गांधी जी और सी आर दास के परसुएशन के कारण, उनके मनाने के कारण, जितने भी वायलेंट ग्रुप्स हैं ये सब नॉन वायलेंट हो जाते हैं, क्योंकि इस मूवमेंट को हमको नॉन वायलेंट बनाना है। लेकिन जैसे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म होता है यहाँ पर सारे के सारे जो एक्टिविस्ट हैं ये सरफेस पर आ जाते हैं और फिर शुरू होता है नया राउंड ऑफ स्ट्रगल। जोगेंद्र चंद चटर्जी, सूर्य सेन, भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, शिव वर्मा, भगवती चरण बोरा, जयदेव कपूर एंड जतिन दास। ठीक है, ये चीज। भगवती चरण बोरा, एक नाम और मैं लिखना भूल गया यहाँ पर, दुर्गा भाभी। ठीक है, ये चीज, ये भी यहाँ पर इनके साथ में होती है, भगवती चरण बोरा, कहो भगवती चरण बोरा। ठीक है, ये लिखते हैं बुक द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब। ठीक है, अब हमको फिलोसफी ऑफ बॉम्ब ही समझाएगी ब्रिटिशर्स को, वही बस जो है। ये भी एक फेसेट है भैया, ये भी क्या है, ये भी एक फेसेट है हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का। यस, इट इज आल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, ये चीज। टू सेपरेट स्टैंड ये डेवलप होते हैं इन द पंजाब, यूपी, बिहार एंड द अदर रीजन। ठीक है,
ये चीज यहाँ पर टू नए स्ट्रैंड्स डेवलप होते हैं, ठीक है। हेलो हेलो उपू श्रवण जी, हेलो कैसे हो। मेजर इन्फ्लुएंसेस क्या होता है कि भैया जो वर्किंग क्लास है, ट्रेड यूनियनिज्म ये शुरू हो गई, रशियन रेवोल्यूशन ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट डालता है, रशियन रेवोल्यूशन 1917 में, ठीक है। एंड द कम्युनिस्ट ग्रुप जो डेवलप हुआ, यस इन द ईयर 1920 द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म, एंड इन द ईयर 1924, ठीक है, ये कानपुर में, यहाँ पर, यस कानपुर में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पूरी तरीके से स्टैब्लिश होती है, यस फुल फ्लेज्ड मैनर में, ये ताशकंद में ये बनती है, यहाँ पर ताशकंद, ठीक है, बाय द एम एन रॉय, बाय एम एन रॉय ये बनाते हैं, मानवेंद्र नाथ रॉय, ये 1920 में जो है एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ताशकंद में बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ द रशियंस। जनरलिस्ट, आत्मशक्ति, सारथी, बिजौली, ये सारी की सारी चीजें जो है यहाँ पर सेट होती है। बांदी जीवन, सचिन नाथ सान्याल ये बुक लिखते हैं, पथेर डाबी ये लिखते हैं, ठीक है, ये काफी ज्यादा फेमस हो जाती हैं बुक, और इनसे इंस्पायर होके, यस इन बुक्स से इंस्पायर होकर के शुरू होती है रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज, जिसका मेन सेंटर लाइन है पंजाब, यूपी एंड बिहार। और यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन जो स्टैब्लिश होती है, द प्रोमिनेंट वन दैट वॉज HRA, इसका नाम है द हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, एंड इट वॉज स्टैब्लिश्ड बाई राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, अक्टूबर 1924 में राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चैटर्जी, सचिन सान्याल, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद, ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। और इस ऑर्गेनाइजेशन का एक ही इवेंट इंपॉर्टेंट है, 1925 काकोरी ट्रेन डकैती, क्या है भैया, काकोती ट्रेन डकैती, ठीक है, ये चीज यहाँ पर काकोरी ट्रेन डकैती, इंपॉर्टेंट एक्शन ऑफ HRA, क्या होता है ये, यहाँ पर क्या है इसमें, ट्रेन रॉबरी में, ट्रेन रॉबरी है, एट टाउन ट्रेन जो है वो काकोरी रेलवे स्टेशन पर लूट ली जाती है नियर लखनऊ, ठीक है, जितना भी ऑफ रेलवे का ऑफिशियल कैश है वो इस ट्रेन से जा रहा होता है और इसे लूट लिया जाता है। नाउ जैसे ही काकोरी ट्रेन डकैती होती है उसके बाद मॉब को अरेस्ट किया जाता है, एंड द फोर पर्सन, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी, इन चारों लोगों को जो है पुलिस पकड़ लेती है और देवर हैंग, उनको हैंग कर देती है, ठीक है। नाउ यहां पर HRA एंड होती है, लेकिन फीलिंग एंड नहीं होती, फिर यहां पर HSRA बनती है, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, क्या है भैया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, सितंबर 1928 एट फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली, फिरोज शाह कोटला दिल्ली भाई भगत सिंह, भाई भगत सिंह, यहाँ पर भाई भगत सिंह, ठीक है, ये बनाते हैं। पार्टिसिपेंट कौन कौन से हैं, भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण बोरा पंजाब से हैं, विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, जयदेव यूपी से, ठीक है। HSRA दे अडॉप्टेड सोशलिज्म एज देयर मेन गोल, सोशलिज्म, ठीक है। नाउ यहाँ पर द डेथ ऑफ शेरे पंजाब, लाला लाजपत राय जी का जब साहब एंटी साइमन कमीशन के टाइम पर होता है, तब भगत सिंह आजाद और राजगुरु सॉन्डर्स को मार देते हैं, इसको बोलते हैं द लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। और फिर उसके बाद में बॉम्ब देखते हैं सेंट्रल असेंबली में इन द ईयर 1929, अप्रैल 1929, 8 अप्रैल, ठीक है, किसके अगेंस्ट में, पब्लिक सेफ्टी बिल एंड द ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट। और फिर वो यहाँ पर अपने आप को करा देते हैं अरेस्ट, वो पूरे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को, ठीक है, वो जेल्स के थ्रू, जेल के माध्यम से नॉन वायलेंट मेथड में, इनका एक अलग तरीका है, नॉन वायलेंट मेथड में जो है पूरे मासेस को इनसाइड करना अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, अगेंस्ट द एट्रोसिटीज ऑफ द ब्रिटिश रूल, ठीक है। बॉम्ब जो फेंके उन्होंने वो सिर्फ हार्मलेस बॉम्ब थे, टू मेक द डेफ हेयर, भैया बैरों को ज्यादा तेज नहीं देता, इसलिए बॉम्ब फेंक दिया, अपने आप को अरेस्ट कर देते हैं, ये मैंने बताई दिया आपको। फिर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन सबको ट्राई किया जाता है इन द लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, ये मैंने आपको कल बताया था कि लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस है क्या, वॉट इज वॉज द लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, दिस वॉज द मर्डर ऑफ सॉन्डर्स 1928 में, और इसके चार्ज में इन तीनों को हैंग कर दिया जाता है, ठीक है, 31 मार्च, सॉरी 23rd मार्च 1931, ठीक है, इसको हम शहीद दिवस भी बोलते हैं, ठीक है। ये चीज ना, जेल में
ये लोग अपनी एक्टिविटीज को कंटिन्यू करते हैं और 64 डेज का हंगर स्ट्राइक होता है। जतिन दास, अभी भैया वो जतिन दास पुराने वाले नहीं है, वो भागा जतिन जो थे, ठीक है, वो नहीं है अभी, ठीक है। ये जतिन दास जो है, ही बिकेम द फर्स्ट मार्टियर। 64th डे में फास्ट के कारण इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। और भैया ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज एक्टिविस्ट इतने ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं कि भगत सिंह ही बिकेम अ हाउस होल्ड नेम, ठीक है, ज्यादा फेमस हो जाते हैं। अब रह गए आजाद, चंद्रशेखर आजाद जो है, ये इरविन के टाइम पर इरविन की ट्रेन को दिल्ली के पास बॉम्ब से उड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑल इन वेन। फरवरी 1931 में आजाद जो है ये एक इलाहाबाद में एल्फ्रेड पार्क, वहां पर एक एनकाउंटर में, पुलिस एनकाउंटर में मारे जाते हैं। और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये इन सबको 23rd मार्च 1931 में हैंग कर दिया जाता है, ठीक है, ये चीज। नाउ बंगाल रिवॉल्यूशनरी जो ग्रुप है वो इतना कोई ज्यादा खास है नहीं। 1920s में जो स्टैब्लिश हुआ, मोस्टली अंडर द सुभाष सी आर दास, जो स्वराजिस्ट बन गए, ठीक है, बाद में वो पॉलिटिकल लीडर बन जाते हैं, और जे एम सेन गुप्ता, और फिर सुभाष चंद्र बोस, ये आते हैं। बस यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है, दैट वॉज ऑफ गोपीनाथ साहा। बंगाल के अंदर गोपीनाथ साहा जो है वो टेगाट जो है, ये कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर है। ये कौन है भैया? कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर है, ठीक है। ये 1924 में इनके ऊपर बॉम्ब का अटैक करते हैं, कमिश्नर है, ठीक है, बॉम्ब अटैक करते हैं, और ये जो है बच जाते हैं। इनकी जगह पर मिस्टर टे ये मारे जाते हैं, गोपीनाथ साहा को पकड़ लिया जाता है, ठीक है, ये चीज, ठीक है ना। फिर उसके बाद में गोपीनाथ साहब को पकड़ लिया जाता है, एंड ही वाज हैंग, ठीक है, ये चीज। यहाँ पर फिर बंगाल में कोई भी ज्यादा रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज है नहीं। सूर्य सेन के अंडर में फिर एक रिवॉल्ट ग्रुप स्टार्ट होता है, और जिसका फेमस है चित्तगांव आर्मोरी रेड। यस, चित्तगांव आर्मोरी रेड, ये सूर्य सेन पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, यहाँ पर बस सिर्फ ये एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एंड सूर्य सेन अलॉन्ग विथ करण सिंह, गणेश घोष, ये ग्रेट कंडक्ट होती है 1930 में, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। भैया याद करो, अप्रैल 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। दिस रेड वॉज क्वाइट सक्सेसफुल। सेन जो है वो नेशनल फ्लैग को होइस्ट भी करते हैं वहां पर चित्तगांव में, बट इन फेब्रुवरी 1933 ही वॉज हैंग्ड इन 1934, अरेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर जितनी भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज हैं वो सब एंड हो जाती हैं। ये है हमारे तीन फेस रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज की, ठीक है, ये चीज। इट इज वन ऑफ द फेसेट, हमने ये कवर इसलिए किया क्योंकि ये एक फेसेट है, इस पे भी कभी कभार प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, ये चीज। दैट्स ऑल, छोटा सा टॉपिक है ये। अब हम देखते हैं हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। भैया मैंने आपको कल भी बोला था कि हम हमारे इस सेशन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी डील करेंगे। अब हमने पढ़ तो बहुत सारा लिया, अब देखें एनालाइज करें कि कितना हम रिटेन रख पाए हैं, है ना, ये चीज। तो आज हम एमसीक्यू डील करेंगे इसमें। लगभग लगभग अपना हिस्ट्री का जो सेक्शन है वो एंड पर है। अब इसमें एक पार्ट बचता है, एंड दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, INA, ठीक है, जो कि सुभाष चंद्र बोस, फॉरवर्ड ब्लॉक जो स्टैब्लिश करते हैं सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, ये चीज। अब इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में जाते हैं, कमेंट देखें। दीपक जी लिखते हैं, अगर सर अगर क्वेश्चन आए व्हाट वाज द रोल ऑफ रिवॉल्यूशन एक्टिविटीज इन द फ्रीडम स्ट्रगल, तो सर क्या हमें सब लिखना होगा? नहीं बेटा, हमको सारी चीजें नहीं लिखनी होंगी, हमको इसके अंदर सिर्फ उनका रोल एक्सप्लेन करना होगा। दैट इज दे रिसॉर्टेड टू द इंडिविजुअल हीरोइक एक्टिविटीज एंड एंड जस्ट टू दे रिसॉर्ट टू द इंडिविजुअल हीरोइक एक्टिविटीज जस्ट टू क्रिएट प्रेशर ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड किलिंग द इनफेमस पॉलिटिकल इनफेमस ब्रिटिश ऑफिशियल्स ऑफ द टाइम, ठीक है, एंड इंसाइटिंग द मासेस ऑल्सो एंड अराइजिंग द पेट्रियोटिक फीलिंग अमंग द मासेस, ठीक है। तो इस तरीके से हमको ये वहां पर लिखना होगा, ठीक है, सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप थोड़ा बहुत उसमें रेफरेंस के तौर पर दे सकते हो। झूठ बोल रहा है, अच्छा ठीक है भैया, ओके, थैंक यू वेरी मच, है ना, अच्छा ओके ओके, थैंक यू, पैक कर दिया, गुड, क्रिएटिव भैया। ये चीज वेल,
हाँ अभी हम लोग करेंगे ना, इसको करते हैं जेपी सॉन्डर्स। ओके, हिस्ट्री पढ़ना। हाँ भैया ठीक है। यस, एचआरए हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, और क्या बोलते हो, वैभव। हाँ यस, अभी बिल्कुल जो मैं 2 मिनट रुको, जरा 1 मिनट पढ़ तो ले सारी चीजें। हाँ भैया अभी आए नहीं। हाँ यस बिल्कुल दीपक, ठीक है मनी। यस 10 सितंबर 1928 एट फिरोज शाह कोटला मैदान। चलो पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज स्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1885 ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड डफरिन। द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज द रिएक्शन ऑफ ग्रोइंग नेशनल कॉन्शियसनेस अमंग इंडियंस। ठीक है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। ओनली टू इज नॉट करेक्ट। वन का सी, बोथ वन एंड टू आर नॉट करेक्ट। ओके, दीपक कुमार बोलते हैं डी, नीदर वन नॉट टू आर नॉट करेक्ट। नरेंद्र बोलते हैं वन ओनली, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज स्टैब्लिश इन 1885 ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड डफरिन। बस यही 4 लोग हैं। ओके सर, वन बोथ वन एंड टू आर नॉट करेक्ट। इज नॉट करेक्ट, सॉरी टू, मैं पहले गलत बोल दिया था। ओके सौमिक, वन का डी। बस यही 4 लोग हैं सौमिक। यस एनी अदर पर्सन, गौरव 24, ओनली टू। पायता अभी बोलते हैं वन ओनली। चलो आई थिंक सो कि अपन 4-5 लोग ही हैं बस खाली इस सेशन में। ठीक है, 4-5 लोग ही हैं, तो अपन जाते हैं, अपने अपने इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस दिस वॉज स्टैब्लिश इन द ईयर 1885। यस इट वॉज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन वॉज द वाइस रॉय। ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, द स्टेटमेंट, द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यस इट वॉज अ रिएक्शन ऑफ ग्रोइंग नेशनल कॉन्शियसनेस अमंग द इंडियंस। यस इट वॉज सो, इट वॉज देयर। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अब ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो नॉट करेक्ट इसमें कौन सा है, नीदर वन नॉट टू। ठीक है, ना तो वन स्टेटमेंट गलत है और ना ही दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, नीदर वन नॉट टू आर नॉट करेक्ट। ठीक है, गॉट इट। तो इसका आंसर होगा डी। ओके नहीं भैया, वन ओनली नहीं होगा। यस इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज अ रिएक्शन ऑफ ग्रोइंग नेशनल कॉन्शियसनेस अमंग द इंडियंस। इट वॉज देयर। ठीक है, 2 दिन पहले मैंने ये चीज बताया था आपको। ठीक है सर, फर्स्ट डी इज रॉन्ग। नहीं भैया, डी सही है। ठीक है, याद करो सारे कॉन्सेप्ट पुराने जितने भी पढ़े हैं अपन ने, उन सबको याद करो। पहला लेक्चर, 3 दिन पुराना सेशन है ये। ठीक है, नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। From 1885 to 1905, Congress dominated by moderates. बाल गंगाधर तिलक started the Ganesh festival in the year 1893. Which of the above statement is or are correct? चलो भैया,
दीपक बोलते हैं 2 पर सी। ओके, राजेश मुथु सी, गुड। सौमिक रॉय 2 का सी। अच्छा एक चीज बताओ, आप लोगों में से इस बार एग्जाम कौन देने वाला है? यस, हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू गिव एग्जाम ऑन 4th ऑफ अक्टूबर 2020? रेनू शर्मा बोलती हैं सी। ओके, Both 1 and 2, नरेंद्र। ओके, Both 1 and 2 आर करेक्ट। और कोई? यस, चलो। ओके राजेश, तो आप देने वाले हो। एंड दीपक कुमार, यू आर गोइंग टू गिव इन 2021। गुड गुड, ठीक है। चलो अपन इसका आंसर देखते हैं। ठीक है वैभव, ओके, यू आर इन द 9th क्लास सी। चलो इसका आंसर देखते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज द सी। सी इज द करेक्ट आंसर। Both 1 and 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्यों? यस, दिस फेज 1885 से लेकर 1905 तक, इसको हम लोग बोलते हैं द मॉडरेट फेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। एंड द बाल गंगाधर तिलक, यस ही स्टार्टेड, जस्ट मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले, 1893 में उन्होंने तिलक फे जो है गणेश फेस्टिवल, गणेश उत्सव ये स्टार्ट किया। ठीक है, ये चीज। तो इसका जो राइट आंसर है दैट विल बी द सी, नॉट बी। ठीक है, ये चीज। ओके ओके मजुमदार जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया वॉज वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। दूसरा है, लॉर्ड लिटन्स रिएक्शनरी पॉलिसीज वर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ डिसकंटेंटमेंट अमंग द इंडियंस। एक्सट्रीमिस्ट फेस कब से कब तक है भाई? अब ये मुझे याद नहीं है यार, अपन ने पढ़ा तो था कॉमिक, वी हैव स्टार्टेड 3 का ए। ओके दीपक, और कोई? यस, एनीवन एल्स? रेणु शर्मा, रेणु शर्मा भी बोलते हैं 3 का ए। वैभव समता बोलते हैं ए। ओके, 1908 से लेके 1933 तक एक्सट्रीमिस्ट, वेरी गुड। यस, बी लिटन मजुमदार, बी गौरव 24 ए, प्रताप सिंह बी। ओके चलो, अब अपने पास बहुत सारे आंसर आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, सिर्फ 8 बच्चे एक्टिव हैं, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है दीपक जी, आपका आंसर बिल्कुल सही है, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया है भैया। इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश लैंग्वेज दैट वॉज द मेजर रीजन, ठीक है, मेजर था, रीजन था फॉर द ग्रोथ ऑफ पोलिटिकल कॉन्शियसनेस, क्योंकि अगर इंग्लिश नहीं होती तो हम लोग हो सकता था कि आपस में व्यूज एक्सचेंज ही ना कर पाते, तो ये स्टेटमेंट सही है। लॉर्ड लिटन का जो रिएक्शनरी पॉलिसीज थी, दिस वर नॉट रेस्पॉन्सिबल लिखा है, दिस वर रेस्पॉन्सिबल, ठीक है, यस, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, इसीलिए इसका आंसर ए सही है। ठीक है, इसका आंसर ए सही है रजत। ठीक है, ए सही है। ठीक है, ओके दीपक, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया सबसे पहले। वेल, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 इज आल्सो कॉल्ड एज, अरे बाप रे, यस, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 इज आल्सो कॉल्ड एज,
बिल्कुल सही दीपक, अगेन आपने सही दिया। रेनू आपका भी आंसर सही है और रजत आपका भी आंसर सही है। दिस इज द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। यस, द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, इट इज कॉल्ड एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मॉर्ले ही वॉज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एट दैट टाइम, ही वॉज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एट दैट टाइम, ठीक है। एंड मिंटो ही वॉज द वाइस रॉय, ठीक है। नाउ अगर यहाँ पर मिंटो टू लिखा होता तो भी ये सही होता, बिकॉज मिंटो टू बेसिकली ये आंसर थे, ठीक है। यस, बहुत इजी था ये। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड वॉज ऑफ 1919, बिल्कुल सही, ठीक है। ये चीज नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। अनीता जी, डेली क्लास जो है वो 10 बजे होती है यूट्यूब पर, और स्पेशल क्लास जो होती है वो 7 बजे होती है, ठीक है, 7 PM पर होती है, ठीक है, डेली क्लास एंड डेली क्लास एंड करंट अफेयर्स का जो चैनल है उस पर 5 बजे से होती है, ठीक है, 5 PM से। ओके, वैभव इसका आंसर देते हैं, फोर्थ का डी आंसर देते हैं। सबसे पहले सौमिक ने दिया। ओके सौमिक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मॉर्ले वॉज अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, विच वॉज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज दिस एक्ट वॉज पास्ड, ठीक है। एंड एज पर दिस एक्ट मेजोरिटी ऑफ द इंडियन वॉज प्रोवाइडेड इन वाइस रॉयस एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ओके, दीज रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स एंड दीज रिफॉर्म्स गेव द राइट टू आस्क क्वेश्चन इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। यस, लिटन बोलते हैं डी, गौरव बोलते हैं सी। यस, 7 PM ऑल्सो मॉडर्न हिस्ट्री ऑन द स्पेशल क्लास, वो स्पेशल क्लास पर होती है अनिता जी। वैभव बोलते हैं सी। भाई क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो भाई। जी रजत बोलते हैं मैंने पूछा है नॉट ट्रू, सभी ने गलत दिया है इसका आंसर। भैया क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, नॉट ट्रू ये लिखा हुआ है, ठीक है, नॉट ट्रू। अब बताओ इसका आंसर। नहीं भाई, आप सभी गलत हो। हाँ, रेनू ने अब सही आंसर दिया, गुड गुड, रेनू का आंसर एकदम करेक्ट आया अभी, बी। यस यस, बी आया, ठीक है। यस अनीता, अब आपने भी बिल्कुल सही दिया। दीपक बिल्कुल, आप जो है मतलब सही जा रहे थे, पर क्वेश्चन को पढ़ो बेटा दीपक, क्वेश्चन को पढ़ो पहले, ठीक है, फिर उसके बाद आंसर दो। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, नॉट ट्रू, ठीक है, नॉट ट्रू, ठीक है। पर यह मेजोरिटी टू द इंडियंस वॉज प्रोवाइडेड इन वाइस रॉयस एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये तो हो ही नहीं सकता, कैसे भी नहीं हो सकता, तो यही हमारा आंसर है। बाकी 3 स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। ये चीज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। होम रूल लीग वॉज एस्टैब्लिश्ड। दीपक यही, बस थोड़ा सा टाइम दो क्वेश्चन को, ठीक है, ये चीज, थोड़ा सा टाइम दो क्वेश्चन को। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। होम रूल लीग वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन द लाइंस ऑफ आयरिश होम रूल लीग। इट वॉज द रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड फॉर द आर्म्ड रिवोल्ट इन इंडिया। इट वॉज द रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड फॉर द आर्म्ड रिवोल्ट इन इंडिया। दीपक बोलते हैं सिक्स का ए, वैभव बोलते हैं बी, रेणु बोलती हैं ए, रजत ए, लितन ए, संयम नासा ए, और कोई? यस बिल्कुल, ओनली वन नरेंद्र, ओनली वन, बिल्कुल सही है भैया आपका क्वेश्चन, आपका आंसर, ओनली वन इज द राइट आंसर। ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट गलत है। ना, होम रूल लीग वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन द लाइंस ऑफ आयरिश होम रूल लीग, बिल्कुल सही है। एनी बेसेंट ने ये आइडिया प्रपोन किया था, एनी बेसेंट ने, ठीक है। और ये एक रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, बिल्कुल नहीं, ये एक पीसफुल ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है, नॉन वायलेंट, पीसफुल नॉन वायलेंट ऑर्गेनाइजेशन था ये, ठीक
ठीक है, ये चीज आम रिवोल्ट तो इसका करने का कोई मन ही नहीं था इसीलिए, ठीक है। एंड एक और फैक्ट हमेशा याद रखना भैया, होम रूल लीग के अपोजिशन में थे, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने कहा कि भैया हमें ऐसा कोई लीग स्टार्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये चीज। और इस होम रूल लीग का पार्ट थे मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल आजाद, ठीक है, अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है, ये सब इस होम रूल लीग का पार्ट थे। गॉट इट। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यस, जस्ट फॉर द सेल्फ रूल इट वॉज। यस अनिता, बिल्कुल सही बोला आपने बेटा, ठीक है, जस्ट फॉर द सेल्फ रूल इट वॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कांग्रेस सेशन ऑफ 1907 वॉज प्रेसाइडेड बाई फिरोज शाह मेहता, दिस सेशन वॉज कंडक्टेड इन नागपुर। यस, तिलक ऑल्सो, तिलक भी थे लीडर। क्वेश्चन देखो, द कांग्रेस सेशन ऑफ 1907 वॉज प्रेसाइडेड बाई फिरोज शाह मेहता, दिस सेशन वॉज कंडक्टेड इन नागपुर। अमित शाह बोलते हैं सी, ओके, रजत बी, दीपक कुमार सेवेंथ का बी, रेणु शर्मा सी, ओनली टू इज इनकरेक्ट, संयम नासा, ओके, वैभव तमता सी, रजत अग्रवाल, अरे रजत तुमने आंसर चेंज, अच्छा नहीं तुमने आंसर दिया सेवेंथ का बी, ओके, नरेंद्र डी, भैया दीपक जब पता था कि सूरत सेशन था, ठीक है, यस इट्स वाज अ सूरत सेशन, संयम नासा ये भी बोलते हैं सूरत सेशन, ओनली टू इज इनकरेक्ट, भैया दोनों ही इनकरेक्ट है, ठीक है, ये दोनों ही इनकरेक्ट है, तो सी आंसर जिसने दिया है, ठीक है, सी आंसर सबसे पहले सी आंसर दिया है जो है अमित शाह ने, अमित शाह के बाद रेणु ने आंसर दिया सी, ये करेक्ट है, ठीक है भैया, हमने पूछा नॉट करेक्ट, बोथ वन एंड टू आर नॉट करेक्ट, क्योंकि ये जो सेशन था तो 1907 में तो हुआ लेकिन इट वॉज प्रेसाइडेड बाई रास बिहारी घोष, एंड ये जो सेशन था ये सूरत में हुआ, ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, ये चीज, यस, रास बिहारी घोष, बोस नहीं, रास बिहारी घोष, सौमिक बोस अलग हैं, घोष अलग हैं, ये ध्यान रखिएगा भैया, कंफ्यूजन, ठीक है, कंफ्यूजन, यस, पढ़ने में मिस्टेक, बिल्कुल, इसीलिए बेटा दीपक क्वेश्चन पर थोड़ा सा टाइम दो, अभी इस साल आप अभी अक्टूबर में देने वाले हो एग्जाम, प्लीज पे अटेंशन टू द क्वेश्चन, ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन 1906 इंडियन नेशनल, जल्दी मत करना बेटा, ठीक है, यस, 1906 इंडियन नेशनल कांग्रेस अडॉप्टेड इट्स एम टू अटेन स्वराज, 1906 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड एट बनारस, ठीक है, 1906, नो, घोष वॉज नॉट रिवॉल्यूशनरी, बोस वॉज रिवॉल्यूशनरी, ठीक है, घोष तो मॉडरेट पर्सन थे, यस, अच्छा 2021 में देने वाले हो, ओके ओके, चलो ठीक है, फिर कोई बात नहीं, अभी से प्रैक्टिस करो, इट्स गुड, और अगर सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हो अनअकैडमी का तो वो भी ले सकते हो और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि यूट्यूब पे कंटेंट लिमिटेड रहता है बेटा, ठीक है, लर्निंग ऐप पर सब्सक्राइब वाले कोर्सेज जितने भी होते हैं उन सब में हम बहुत ज्यादा डिटेल लेंथ में लेकर के जाते हैं, डेप्थ में लेके जाते हैं, ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन जरूरी है। सी करेक्ट लग रहा है सर, ओहो रजत भैया देखें इसमें 1906 सेशन, सी करेक्ट लग रहा है, बोथ वन एंड टू आर करेक्ट, भैया लगने से कुछ नहीं होता, इसका आंसर जो है सबसे पहले ओनली वन एट बंगाल पार्टीशन,
ए, अनुष्का, अनुष्का मेहरा अनु, आपने बोला ए, और संयम बोल लेते हैं ए, सौमिक ने ए, सौमिक ए, ओके अनुष्का, ओके ए, नरेंद्र ने सबसे पहले आंसर दिया ओनली वन, और सौमिक ने दिया उसके बाद ए, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, ये चीज, यस, 1906, 1906 इंडियन नेशनल कांग्रेस एडॉप्टेड इट्स मेन एम स्वराज, यस, करेक्ट है, ठीक है, ये करेक्ट है, ये कहां पर हुआ, कैलकटा सेशन, कैलकटा सेशन, प्रेसाइडेड बाई दादा भाई नारोजी, अगर आप लोगों को याद हो ये भी हमने पढ़ा था, ठीक है, दादा भाई नारोजी, गॉट इट, ये चीज 1906 में ये सेशन बनारस में हुआ ही नहीं, तो ये गलत हो गया, सो ए इज द राइट आंसर, यस नरेंद्र, बिल्कुल सही, अच्छा गौरव, वेरी गुड, वेरी गुड, आपने कल से ही क्लास अटेंड करना स्टार्ट किया है, ठीक है, ये चीज, वेरी गुड अनुष्का, आपका भी क्वेश्चन सही है, नेक्स्ट आंसर सही है, ओके दीपक गौरव, अच्छा दिया, ओके ओके, हाँ नेक्स्ट मंथ से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, यस नेक्स्ट मंथ से भी स्टार्ट कर सकते हो, दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है बेटा, प्लस का भी है और आइकॉनिक भी है, हाँ बेटा निटन मजुमदार, आप भी आईएएस में ऑप्शनल एमसीक्यूज की क्वेश्चन आंसर भी, हाँ बेटा ऑप्शनल भी होते हैं और क्वेश्चन आंसर्स भी होते हैं, दोनों चीजें होती हैं, दीपक कुमार द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यस बिल्कुल सही लिखा आप, बोला आपने द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, प्रोमिनेंट वाले रजत याद रख सकते हो, तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सारे याद रखने की जरूरत नहीं है, दैट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी, ओके 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 नरेन, वेलकम वेलकम टू द क्लास, अच्छा लिटन आपका भी फर्स्ट क्लास है, गुड, चलो आप डेली मिलेंगे, कल भी क्लास अपनी 10 बजे रहेगी, ठीक है, नाउ इसका आंसर तो भैया जल्दी से, मुस्लिम ऑफ द बंगाल एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन एंटी पार्टीशन मूवमेंट, इंडियन मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म इन 1906 एट लखनऊ, मुस्लिम लीग, इंडियन मुस्लिम लीग वॉज स्टैब्लिश बाई नवाब सलीम उल्ला, विच वन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, हेलो ओएस, ओएस खान, हेलो राकेश पाटिल, ओके ओके वेरी गुड राकेश, फर्स्ट क्लास है आपका, इट्स गुड, वेलकम टू द क्लास, रेणु शर्मा डी बोलते हैं, हाँ, दीपक कुमार भी डी बोलते हैं, डी डी डी, ओके देन सौमिक डी, सेकंड इज रॉन्ग, सर आप हिस्ट्री के अलावा और कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी पॉलिटी, सौमिक डी, ओवैस सी, सर फ्रॉम वेयर आई कैन गेट द शेड्यूल सो दैट आई कैन अटेंड क्लास डेली, अनीता जी, अनीता सब्सक्राइब माई टेलीग्राम चैनल t.me/upsc अमित मोदी, ठीक है, ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यहाँ पर मैं अपने सारे वीडियोस के लिंक शेयर करता हूँ स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है, ये चीज, ओके ओवैस, वेलकम टू द क्लास, वेलकम, यस नरेंद्र आप बिल्कुल सही हो बेटा, और सबसे पहले ये जो आंसर दिया था दैट वाज गिवन बाय दीपक, एंड फिर दीपक के बाद वैभव, वैभव रेणु, ठीक है, इन्होंने, और इन्होंने बोला डी, ओनली थ्री इज करेक्ट, बिल्कुल सही, मुस्लिम ने कभी भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया ही नहीं एंटी पार्टीशन मूवमेंट में, तो ये स्टेटमेंट गलत है, एंड मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म इन 1906 बट नॉट एट लखनऊ बट एट ढाका, ठीक है, ये चीज, और यहाँ पर मुस्लिम लीग एस्टैब्लिश बाय नवाब सलीम उल्ला, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ओनली डी इज द राइट आंसर, ना मैं गुजराती नहीं हूं भैया, आई एम नॉट अ गुजराती, यस नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, द आइडिया ऑफ बाइकॉट, द आइडिया ऑफ बाइकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स वाज गिवन बाय कृष्ण कुमार मित्रा, अरविंदो घोष गेव द थियरी ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस, स्वदेशी वेरियस स्वदेशी एंटरप्राइजेस एस्टैब्लिश्ड बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, वैभव भैया इकोनॉमिक्स की क्लास जो है कपिल सिक्का सर लेते हैं,
मैं इंदौर में रहता हूं वैभव। 10th का ए 1 एंड 2 दीपक कुमार लिखते हैं 10th का ए। ओके, ये 10th क्वेश्चन है तो इसका 10th का ए। विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी कि पहले दो स्टेटमेंट सही हैं, बाकी सब गलत है। ओके नेक्स्ट, रजत बोलते हैं डी, वैभव तमता ए एंड राकेश पाटिल ए, ओवैसी रजत ओनली 3। ओके, सयम बोलते हैं ओनली 3 यानी कि डी ऑप्शन। अनुज का मेरा अनु बोलते हैं 3। बेटा देखो, ये क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज द 1, दैट इज ए। ठीक है, यस, द बाइकॉट बाइकॉट ऑफ द फॉरेन गुड्स जो है, दिस वाज गिवन बाय कृष्ण कुमार मित्रा। ये एकदम सही स्टेटमेंट है। पहली बार कृष्ण कुमार मित्र ने अपने न्यूज़पेपर संजीवनी संजीवनी इसके अंदर ये अपना सबसे पहले मूव किया था, बाइकॉट ऑफ द फॉरेन गुड्स। और जो अरविंदो घोष है, अरविंदो घोष, इन्होंने थ्योरी ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस ये प्रपाउंड किया था। तो हमारा स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 सही है और ये गलत है। क्यों? क्योंकि एंटरप्राइजेस स्टैब्लिश हुए ही नहीं थे बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट। हमने तो स्वदेशी मूवमेंट जब स्टार्ट किया, जब एंटी पार्टीशन मूवमेंट, ठीक है, एंटी पार्टीशन मूवमेंट में जब बाइकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स का ये कहा गया, तब बोला गया कि भैया हम फिर गुड्स कौन से यूज करेंगे, तो हम गुड्स यूज करेंगे स्वदेशी। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर ए राइट है। बेटा जरूरी थोड़ा ना कि स्पेक्ट्रम में ही सारी चीजें मिल जाएंगी। हाँ, यस, हिस्ट्री है, ठीक है, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल कि स्पेक्ट्रम जैसी किताब में सारी चीजें मिले बेटा। इसीलिए कहते हैं कि स्पेक्ट्रम, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बोला गया था, बाइबल है, ठीक है ना, बाइबल नहीं है रजत, है ना, ये चीज, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट चीजें भी मिलती हैं। लेकिन यस, वी कैन गो अहेड, और विपिन चंद्रा में ये चीजें दी हुई, इट इज गिवन ओवर देयर। नेक्स्ट, बेटा ये सारी बुक्स का मिक्सचर है, बहुत सारी किताबें हैं, विपिन चंद्रा, सुमित सरकार, स्पेक्ट्रम। देखो रजत, रिफर करने को तो ऐसा है बेटा कि हर सब्जेक्ट में अगर आप 10-10, 20-20 किताबें पढ़ोगे तो भी कम पड़ेंगी। ठीक है, स्टैंडर्ड बुक्स में एनसीईआरटी पढ़ो, ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, एवरीथिंग इज गिवन इन एनसीईआरटी बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ होम रूल मूवमेंट वॉज नॉट ट्रू। जरा ध्यान दीजिएगा, वॉज नॉट ट्रू, ठीक है, द नॉट ट्रू, द होम रूल मूवमेंट वॉज स्टार्टेड ऑन द लाइन्स ऑफ आयरिश होम रूल लीग, इट वॉज अ रेस्पॉन्स ऑफ द इंडियंस टू द वर्ल्ड वॉर वन। महात्मा गांधी मूटेड द आइडिया ऑफ सच मूवमेंट व्हेन ही केम बैक फ्रॉम साउथ अफ्रीका। एनी बेसेंस स्टार्टेड द मूवमेंट इन सेप्टेंबर 1916। ओएस खान ने इसका आंसर दिया सी, दीपक बोलते हैं बी, नरेंद्र सी, लिट्टन मजुमदार सी, अनीता गुप्ता सी। इसका जो राइट आंसर है दैट इज द सी। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि महात्मा गांधी ने जो है इसको जो है अपोज किया था इस मूवमेंट को, और हमने क्या पूछा है, नॉट ट्रू अगेन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन कंटेक्स्ट ऑफ द होम रूल। ठीक है, महात्मा गांधी ने जब अपोज किया तो वो मूट कैसे कर सकते हैं आइडिया को। ठीक है, तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर सी है बेटा, बी नहीं है। ठीक है, डी भी नहीं है। ठीक है, इसका आंसर सी है, द राइट आंसर इज सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूटेड मीन्स आइडिया को कॉइन करना, बोलना, बताना। ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेथड ऑफ द मॉडरेट लीडर्स ऑफ द कांग्रेस वॉज नॉन कोऑपरेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, पैसिव रेजिस्टेंस, सिविल डिसोबीडियंस। दीपक, मैंने बोला ना, मूटेड का मतलब होता है बताना, बोलना, प्रपाउंड करना, कॉइन करना।
प्रमोट करना। यस रजत, आपका आप इसमें आंसर एकदम सही है। दीपक अगेन आपका आंसर सही है, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल एजुकेशन। यस द मेथड ऑफ द मॉडर्न लीडर्स वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एजुकेशन। ये चीज ठीक है, ये चीज नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडियन मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म्ड इन 1906 एट ढाका। वेरी गुड वेरी गुड। इंडियन मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म्ड इन 1906 एट ढाका। द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल वॉज एस्टैब्लिश्ड विद द मॉडर्न मिंटो रिफॉर्म्स। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ओवैस आपका आंसर बिल्कुल सही है। सबसे पहले आपने आंसर दिया है, ये आपका आंसर सही है। सौमिक बिल आपने दिया, लिटन आपका भी सही है, अनीता आपका भी, अमित शाह आपका भी, इसका आंसर सी होगा। यस सी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट सही है। यहां से डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी ये एस्टैब्लिश हुआ और ये ढाका में एस्टैब्लिश हुआ, ठीक है। तो इसीलिए सी इज द राइट आंसर। बोथ आर करेक्ट, बोथ ऑप्शन आर करेक्ट। इट वॉज यूज्ड बट नॉट एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट जैसे ही आया, यस ये पॉइंट मैंने इसलिए लिखा है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। यहां पर ये चीज एस्टैब्लिश्ड हो गई। देखो ये वर्ड लिखा हुआ है, यूज तो होता था, यूज होना और एस्टैब्लिश्ड होना, ठीक है भैया। यूज होना और एस्टैब्लिश्ड होने में अंतर है। यूज होना बहुत, यस यूज होना और एस्टैब्लिश, वर्ड देखो एस्टैब्लिश्ड लिखा है, ठीक है। क्या वर्ड लिखा है? एस्टैब्लिश्ड। नो नॉट जस्ट वेंट फॉर, ये जस्ट नहीं है अनीता, ये जस्ट नहीं है। यहां पर ये वर्ड आ गया है एस्टैब्लिश्ड, ये अब चीज एस्टैब्लिश्ड हो गई। पहले तो सिर्फ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को सिर्फ यूज करते थे, ठीक है, सिर्फ आइडिया को प्रपाउंड किया। ये ऑन एयर था, ये ऑन सरफेस हो गया, समझे। ये हवा में थी चीज, इससे पलट भी तो सकते थे। हाँ गलती नहीं होगा बिल्कुल बेटा, वर्ड्स पर जाओ हमेशा, वर्ड्स पर। एस्टैब्लिश्ड, ये इस चीज से एस्टैब्लिश्ड हो गया, ये यहां पर ऑन एयर था भैया। वो फिर बाद में पलट भी सकते थे इससे, वो बोलते कि नहीं हमने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं, लेकिन भैया यहां तो साफ साफ नजर आ रहा है कि आपने सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट, अरे बाप रे कैसे दिया सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब क्या होता है कि मुस्लिम्स को अब सिर्फ मुस्लिम्स ही इलेक्ट करेंगे, है ना, ये इनका इलेक्टोरल कॉलेज है, ओके। ये चीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन 1908 खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी किल्ड किंग्सफोर्ड, अ जज ऑफ बिहार। इन 1899 चापेकर ब्रदर्स किल्ड रैंड, प्लेग कमिश्नर ऑफ पूना। ओके इसका आंसर डी सही है, ठीक है। बोथ वन एंड टू दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। दिस इज नोन एज द अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, ये मैंने आपको बताया था। ये केसेस की भी नाम जो है ये याद रखिएगा, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, ये सही है।
ठीक है, और छापे का प्रदर्शन है ये पूरा के प्लेग कमिश्नर रैंड का मर्डर किया था, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। बेटा दो तीन बार पढ़ोगे तो ये ईयर्स भी परमानेंट ईयर्स हैं, ये याद हो जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं सर गौरव, लेकिन ये आज ही के सेशन में हमने पढ़ा है ये दोनों चीजें। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, केसरी बीजी तिलक 1905 सेशन ऑफ आईएनसी प्रेसाइडेड बाय दादाभाई नरोजी संजीवनी लाला लाजपत राय, 1906 सेशन ऑफ इंटरनेशनल कांग्रेस प्रेसाइडेड बाय फिरोज शाह मेहता। ये भी इसका भी आंसर मैंने आज ही के सेशन में बताया है, इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है। हाँ, अटैक तो उसी के लिए था भैया, किंग्सफोर्ड के लिए था, किंग्सफोर्ड नहीं मरा तो क्या हुआ, पर अटैक तो उसके लिए था। कोई बात नहीं करो, नहीं रजत इसका आंसर बी नहीं है। सौमिक और दीपक आपका आंसर सही है, अनीता आपका भी आंसर सही है, इसका आंसर ए, मैंने आज ही बताया था केसरी, ये मराठी लैंग्वेज का पेपर है। यस, मराठी लैंग्वेज, और इसके अंदर उन्होंने वो शिवाजी वाली स्टोरी भी लिखी थी जिसको पढ़ के छापे का ब्रदर्स ने रैंड को मार दिया था। ठीक है, ये चीज। नाउ इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 वॉज पास बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट टू एक्सपेंड इंडियन काउंसिल, मिंटो टू वॉज द वाइस रॉय ऑफ इंडिया इन 1909, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। अटैक और किल्ड अभी, हाँ हिस्ट्री के रेस्पेक्ट में तो सेम ही है बेटा, किताबों में तो यही लिखा है। ओके रजत बोलते हैं दोनों सही हैं, यस बिल्कुल सही है बेटा, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, स्टेटमेंट नंबर वन एंड स्टेटमेंट नंबर टू बोथ आर करेक्ट, बोथ वन एंड टू आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, लखनऊ पैक्ट वॉज साइन बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स इन 1916 फॉर देयर रीयूनियन, लखनऊ सेशन वॉज प्रेसाइडेड बाय अंबिका चरण मजुमदार, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। अरे मेरे प्यारे भाइयों, लखनऊ पैक्ट ये साइन मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में थोड़े ना होता है, ये लखनऊ पैक्ट साइन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच में। क्या कर रहे हो भाइयों, मुस्लिम लीग के बीच में, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है, इट वॉज प्रेसाइडेड बाई अंबिका चरण मजुमदार, तो यहां पर बी इसका आंसर है, ओनली वन एंड टू। ठीक है, ओनली वन एंड टू इज द करेक्ट आंसर। लखनऊ पैक्ट 1916, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का तो बिना किसी पैक्ट के ही रीयूनियन हो गया था। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, दिस एक्ट इज पॉपुलरली कॉल्ड एज मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म।
It introduced hierarchy in central legislature. Bicameral legislature was introduced at central level. Separate electorate was not extended to the Sikhs. देखो, डायरकी सेंटर में नहीं आई थी, सेपरेट इलेक्टोरेट सिक्स को दिया गया था, ठीक है। बाइकैमरल लेजिस्लेचर जो था सेंट्रल लेवल पर, ये इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, नहीं ये किया गया था। एंड दिस एक्ट वाज पॉपुलरली कॉल्ड एज मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो इस क्वेश्चन के दो आंसर है, ए भी है और सी भी है, ठीक है। दोनों इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर है, ठीक है। ए भी है और सी भी है, तीनों नहीं है, तीनों नहीं है। डायरकी सिर्फ प्रोविंसेस में आई थी, यहाँ पर कहाँ पर आई थी, प्रोविंसेस में, ठीक है। ये चीज गॉट इट, हाँ लिटन। अब तो खैर खत्म होने वाली है हिस्ट्री, ठीक है, ये सेशन ओवर होने वाला है हिस्ट्री का। आप रिकॉर्डेड वीडियोस देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर के। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। अनीता, 1919 में भी बाइकैमरल लेजिस्लेचर जो है वो स्टैब्लिश कर दिया गया था, अपर हाउस लोअर हाउस। द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट ये कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को, यानी कि सी इज द राइट आंसर, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट ये बुक लिखी थी मिस्टर वेलेंटिनो चिरोल ने। वेलेंटिनो चिरोल ने एक बुक लिखा था, इस बुक का नाम था फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बाई वेलेंटिनो चिरोल, ठीक है। ये चीज फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, बीजी तिलक, इस बुक का पूरा नाम बीजी तिलक, ठीक है। ये चीज नेक्स्ट, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। नेशनलिस्ट लीडर इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा भाई नरोजी, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। यस इट इज द करेक्ट आंसर, दादा भाई नरोजी इज द राइट आंसर, ठीक है। नाउ आपको ये सेशन अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, इस बेल आइकन पर हिट करें, यहाँ पर लाइक करें, शेयर करें जितना ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हो। एंड फॉर द सब्सक्रिप्शन यूज अमित मोदी एज अ कोड, एज अ रेफरल कोड, इससे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा फी स्ट्रक्चर में, ठीक है। So dear students, I suggest please do subscribe, ठीक है, subscribe करो। और कोई भी subscription related query हो तो 9479812018 ये मेरा number है, आप इस पर मेरे से contact कर सकते हो, ठीक है। Okay friends, good night, see you tomorrow.